हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है लेफ़्ट ओवर बिस्किट रेसिपी। इस रेसिपी में हमारे घर में जो थोड़े बहुत बिस्किट बच जाते हैं मंथ के लास्ट में, जिनका हम समझ में नहीं आता हम क्या करें, आप इन सबको मिला के बहुत टेस्टी सी रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास जो बिस्किट टूटे फूटे हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं जो जनरली पैकेट के अंदर निकलते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह के थोड़े बहुत बिस्किट बचे थे, मैंने सारे ले लिए हैं। और अगर आपके पास जो बिस्किट सील गए हैं, जिनमें हवा लग जाती है या सील जाती है इस तरह से, जिनको हम फेंक देते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे बिस्किट को पहले हम अच्छे से पीस लेंगे। तो मैंने सारे बिस्किट को मिक्सी जार में डाल दिया है, इसका एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास में एक कप गरम दूध ले लिया है। दूध को पहले अच्छे से गरम कर लें ताकि जो भी चीज़ें इसमें डालें वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसको हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तब आप क्या यूज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से मार्केट में जो डेयरी मिल्क मिलती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो आप चाहें इसका यूज़ कर लीजिए, नहीं तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड का यूज़ कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून बटर और फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप डाल देंगे। सबको पहले अच्छे से मिला देंगे ताकि गरम गरम दूध में चॉकलेट बटर अच्छे से मिल जाए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी और हमारा दूध जो है वो चॉकलेटी सा हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो हम इसको ऐड करेंगे जो बिस्किट का पाउडर बना के रखा था हमने। सिंपल तरीके से हमें इसका एक डो बनाना है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपके पास दूध कम पड़ रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का हमारा डो बनके तैयार हुआ है। आप देखिए, इस तरह का हमें स्टिकी डो चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने, तो आप थोड़े से इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रंच भी आ जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आप अपने मन चाहे फ्लेवर के हिसाब से जो भी डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए, हमारा सुपर चॉकलेटी नट्स चॉकलेट का डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम सेट कैसे करेंगे मैं वो भी दिखा दे रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट मोल्ड की एक ट्रे। ये सिंपल तरीके से आपको बहुत ही सस्ते में मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप जो सिलिकॉन की मोल्ड होती है वो आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल तरीके से जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं, आप उसको प्लेट में हल्का सा बटर लगा के जमा दीजिए। फिर जब सेट हो जाएगा तो अच्छे से कट कर लीजिएगा। तो सब पे अच्छे से बटर लगा देंगे ताकि ये डिमोल्ड करने में आसान हो जाए, ताकि जो हमारी स्वीट है जो हमने बिस्किट से बनाई है लेफ्ट ओवर बिस्किट से, वो देखने के साथ में खाने में टेस्टी तो होगी ही और लुक वाइज ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं जितने इसमें अच्छे से आ जाएगा उतना अच्छे से फिल कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें एक खाने में अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसी तरह से हम सारे खानों में अच्छे से फिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर भी करिएगा। तो और ये देखिए, मैंने सारे खानों में अच्छे से फिल कर दिया है। देखने में कितनी यमी लग रही है। अब जो चीज़ देखने में यमी है तो खाने में यमी होने ही वाली है। तो ये देखिए, मैंने इसको फिल कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बच चुका है डो। तो मेरे पास यहाँ पर छोटी छोटी सी इस तरह की कटोरियाँ रखी थी, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा बटर भी लगा दिया है ताकि इसमें से डिमोल्ड करना आसान हो जाए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप भी चाहें तो इस तरह की छोटी छोटी जो कटोरियाँ आपके घर में होंगी आप उसमें फिल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने सारी कटोरियों में भी अच्छे से फिल कर दिया है। अभी हम इनको आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ये जम जाए, फिर हम इनको डिमोल्ड करेंगे। तो मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करिएगा, इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इनको फ्रिज से आधे घंटे बाद निकाल लिया है। देखने में आप लोगों को लग ही रहा होगा ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिमोल्ड करेंगे। तो पहले जो ट्रे है इनको हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह की जो ट्रे होती हैं सिलिकॉन की या इस तरह की जो ट्रे होती हैं, इनसे डिमोल्ड करना बहुत आसान होता है। हल्का सा चारों तरफ से पुश कर देंगे और ये देखिए आपके सामने कितनी इजी तरीके से ये निकल जा रही है।
वाओ, ये देखिए कितना प्यारा सा शेप आया है। जितना एग्जैक्ट शेप हमारा मोल्ड में था बिल्कुल वैसे इसमें आया है, और देखने में लग ही नहीं रहा है हमको, हमने इसको बिस्किट से बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब इसी तरह से मैं एक करके सारे मोल्ड में से चॉकलेट को निकाल लूँगी, और ये देखिए एक मैंने और निकाल लिया है। अच्छे से जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी बहुत ही यमी दिख रहे हैं, तो आप भी इस रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, मस्त से बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए मैंने सारे मोल्ड में से निकाल लिया है, अब हम जो कटोरियों में सेट किया था उनको भी निकाल लेते हैं। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक पतला सा चाकू लेंगे और इनको इस तरह से चारों तरफ से लूज़ कर लेंगे, इनमें से भी आराम से निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए इसमें से बहुत आसान तरीके से ये निकल आई हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि कट करने पे बिल्कुल ये जैसे चॉकलेट होती है बिल्कुल वैसे इसका टेक्सचर आया है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको बिस्किट से बनाया है। अब मैं आपको बहुत ही पास से इसको निकाल के दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, देखने में कितनी सॉलिड है, जैसे हमने ढेर सारे चॉकलेट डाल के इसको बनाया हुआ है। लो कॉस्ट में लेफ्ट ओवर बिस्किट से कितनी टेस्टी रेसिपी बनी हुई है, और टेस्ट में मैं को बता दूं ये बिल्कुल डार्क ब्राउनी जैसा टेस्ट कर रहा है, बहुत ही यमी है, तो मैं एक बार और खा लेती हूँ। तो अगर आपको ये लेफ्ट ओवर बिस्किट की रेसिपी जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बिना गैस जला के बना के तैयार किया है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करें। ऐसी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।